नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जनांगे ने सोमवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि आरक्षण मुद्दे को सुलझाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को दी गई 40 दिन की अवधि पूरी होने के बाद उनके समुदाय के सदस्य चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा, मराठा और कुनबी एक है, हमें किसी का हिस्सा नहीं चाहिए। मराठा समुदाय खेती करता है और इसका रिकॉर्ड हर जगह उपलब्ध है। हमने ऐसे रिकॉर्ड एकत्र किए हैं और मेरे आंदोलन के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। सरकार मराठा आरक्षण के मामले को मजबूत बनाने के लिए 30 दिन का समय चाहती थी। जरांगे ने नासिक के राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल के विधानसभा क्षेत्र येओला में सकल मराठा समाज द्वारा आयोजित एक रैली में कहा, वास्तव में कैबिनेट एक प्रस्ताव पारित कर सकती थी और आरक्षण दे सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि यह टिक नहीं सकती। हमने उन्हें 30 दिन के बजाय 40 दिन दिए हैं, लेकिन इस अवधि के समाप्त होने के बाद समुदाय के लोग चुप नहीं बैठेंगे।